आज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट पनीर के पराठे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं। और ये जो पराठों के अंदर की स्टफिंग है, हम पनीर का मसाला बनाएंगे और इसके अंदर भर के पराठे बनाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने पनीर की स्टफिंग कितने अच्छे से भरी है, ये देखिए। तो अगर आप भी सुबह के नाश्ते में कुछ नया बनाना चाहते हो तो बनाइए स्वादिष्ट पनीर के पराठे। इसे आप चटपटे अचार के साथ और दही के साथ खा के इंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर के पराठे बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बोल के अंदर 2 बड़े कप गेहूं का आटा डाल दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, 1/4 छोटा चम्मच मैंने अजवाइन डाल दी। 2 पिंच हम हल्दी के डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बस हमें थोड़ा ही डालना है। 1/2 छोटा चम्मच नमक, आप आपके स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हम तेल के डालेंगे। अगर आप भी गेहूं के आटे के अंदर 2 बड़े चम्मच तेल का मोहन देते हैं तो जो पराठों के ऊपर की परत रहती है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है और पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने मसलते हुए अच्छी तरह से मिला लिया है, ये देखिए। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका नरम आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। ये पूरा आटा गूंथने के लिए मुझे यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। इसके ऊपर हम लगभग 1/2 छोटा चम्मच तेल डाल के इसे मसलते हुए थोड़ा चिकना कर लेंगे। ये देखिए, इसे हमें अच्छे से मसलना है ताकि आटा नरम हो जाए। जैसे हम रोटी बनाने के लिए रोज आटा गूंथते हैं, उसी तरह से हमें सॉफ्ट डो बना लेना है। तो यहाँ पे अपना पराठों के ऊपर की परत बनाने के लिए आटा गूंथ के तैयार है। इसे हम 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 400 ग्राम पनीर लिया है और ये जो पनीर है मैंने घर पे बनाया है। घर पे पनीर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। ये जो नरम पनीर के पीस है इसे हमें हाथों की मदद से इस तरह से मसल लेना है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, ये देखिए। अगर आप पनीर के पराठों के अंदर आलू खाना पसंद करते हैं तो ये समय पे आप इसके अंदर 2 उबले हुए आलू मैश करके डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले डालने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी। 1 मीडियम साइज का मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। 2 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक का। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, मैंने थोड़ा ज्यादा ही डाला है। 1/2 छोटा चम्मच नमक, आप आपके स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हम अमचूर पाउडर का डालेंगे, आप अमचूर पाउडर की जगह पे एक नींबू का रस या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर को आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। इन सारे मसालों को हमें पनीर के अंदर अच्छी तरह से मसलते हुए मिला लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले मिला लिए हैं। ये समय पे आप ये मिश्रण को थोड़ा सा खा के देखें कि इसके अंदर नमक कितना है, मसाले कितने हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि नमक मिर्ची थोड़ी कम है तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी स्टफिंग तैयार है। आटा साइड में रख के 15 मिनट हो चुके हैं, इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे मीडियम साइज की लोइयां बना ली है, ये देख सकते हैं आप। 1 लोई को मैंने निकाल लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पराठा बेलने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो लोई है सूखे गेहूं के आटे के अंदर इस तरह से मिलाते हुए इसे बेलना है ताकि नीचे ना चिपके, इसलिए मैंने इसके ऊपर सूखा आटा लगा लिया है। जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें गोल गोल बेल लेना है। ध्यान रखें कि इसे हमें थोड़ा मोटा रखना है, बहुत पतला नहीं बेलना है। और ये जो हमने पहले पनीर की स्टफिंग बना के रखी है इसमें से हम थोड़ा सा मिश्रण लेते हुए इसे गोल गोल लड्डू के जैसे बना लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। पनीर के मिश्रण को हमें रोटी के बीचों बीच इस तरह से रखते हुए जैसे हम मोदक के प्लेट्स बनाते हैं सेम मोदक की जैसे हमें इसकी पोटली बना लेना है। एक्स्ट्रा आटा मैंने निकाल लिया है। ध्यान रहे कि इसका ऊपर का जो मुंह है अच्छी तरह से हमें दबाते हुए बंद कर देना है ताकि इसके अंदर से स्टफिंग ना निकले। बेलते समय यहाँ पे बेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे ताकि हम इसे आसानी से बेल सके। इसे हमें हल्के हाथों से रोटी के जैसे गोल गोल बेल लेना है। पनीर के पराठों को आप आपके हिसाब से थोड़ा मोटा या फिर पतला बेल के इसे बना सकते हैं। इससे पहले मैंने गुजराती मेथी का ठेपला भी बनाया है, उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको पनीर पराठे के इंग्रेडिएंट्स के बारे में यानी कि रेसिपी के बारे में जो भी जानकारी चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। पराठा बेल के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने पहले से ही गैस ऑन करके तवा गरम करके रखा है। गरम तवे के ऊपर हम ये पराठा डाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर से पराठा थोड़ा सा फूलने लगा है, तो अब हम इसे पलटा के दूसरी साइड से सेक लेंगे। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम मीडियम से हाई रखी है। पराठों के ऊपर हम लगभग 2 छोटे चम्मच घी के डालेंगे। आप घी की जगह पे तेल भी डाल सकते हैं, पर घी के पराठे खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। घी को हमें पराठे के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देना है। थोड़ी देर के बाद हम इसे पलटा देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पराठे के बीचों बीच थोड़ा सा सूखा है, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया। आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि घी आप पराठों के ऊपर आपके हिसाब से कम ज्यादा डाल के इसे सेक सकते हैं, जितना आप घी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पराठा दोनों साइड से पलटा पलटा कर क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सेक लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया है। पराठा यहाँ पे सेक के तैयार है। इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे। मैं आपको और एक पराठा सेक के बताती हूँ। तो गरम तवे के ऊपर हमें सेम तरीके से पराठा सेक लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा पराठा बनाया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि पराठे आप आपके हिसाब से छोटा बड़ा मोटा पतला बना सकते हैं, पर पराठे हमेशा थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं खाने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया फूला है पराठा। इसे भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें बचे हुए आटे के सारे पराठे बना लेना है। पनीर के स्टफिंग के अंदर हमने अमचूर पाउडर डाला है, तो अमचूर पाउडर डालने से ये पराठे खाने में बहुत ही चटपटे लगते हैं। हमने गेहूं का आटा गूंथते समय इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाला था, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पराठों के ऊपर कितना बढ़िया कलर आया है। और अंदर की स्टफिंग भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से अच्छी तरह से फैल गई है, ये देखिए। तो लीजिए, यहाँ पे आपने गर्मा गर्म नरम पनीर के पराठे खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अचार के साथ, दही के साथ खा सकते, रायते के साथ खा सकते। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए। आप इसे आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाले अच्छे अच्छे रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।